बीजेपी जिलाध्यक्ष जाट बोले, जिनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता वह पार्टी छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों के चले जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका चला जाना ही अच्छा है। भाजपा सदस्यता अभियान के बीच बीजेपी के किसान मोर्चा मंडल के जिला उपाध्यक्ष दीपेंद्र सिंह राजावत के इस्तीफे की खबर जहां जिले भर में सुर्खियां बटोर रही है, तो वहीं इस बीच अब बीजेपी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र जाट का बड़ा बयान भी सामने आया है। जिलाध्यक्ष का कहना है कि जो इस्तीफा देकर चले गए हैं उनके निजी स्वार्थ पार्टी में रहकर सिद्ध नहीं हो पाए थे, वह बीजेपी में रहकर भी दूसरे दल के लिए काम करते रहे, लोकसभा चुनाव में उनकी सारी जानकारी सबूत के साथ हमारे पास आती रही, अच्छा हुआ जो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और जहां उन्हें जाना है वहां चले गए। बीजेपी पार्टी को उनके चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बीजेपी में सच्चे ईमानदार कार्यकर्ताओं की जरूरत है जो हमारे पास मौजूद है। संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अभियान चल रहा है और आपकी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, क्या कहते हो? देखो, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो पार्टी की विचारधारा के साथ काम करता है, और जो भाजपा की विचारधारा के साथ है वो आज भी भाजपा में है। मैं तो ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति तो ऐसी है कि कई सारे लोग जो बरसों से कांग्रेस में काम कर रहे थे, आदरणीय राजू भाई साहब पाठक जी हमारे बीच में हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग ऐसी योजनाओं से प्रभावित होके और विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी में आए हैं। गरीबों के कल्याण की बात कर रहे हैं। अब कुछ लोग हैं जिनके स्वार्थ सिद्ध नहीं होते या दाएं बाएं की बात करते हैं, जब लोकसभा चुनाव था जब वो कहाँ थे, उनके वीडियो और स्क्रीनशॉट हमारे पास रखे हुए हैं, इसलिए वो जहाँ थे वहाँ चले गए, तो जाना भी चाहिए। तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे नेताओं? अरे, भारतीय जनता पार्टी के पास जो मैं कह रहा हूँ ना, कार्यकर्ता जो भाजपा में काम करने वाला है वो तो आज भी भाजपा में है, जो ये पहले रहने के बाद भी यहाँ नहीं थे। अब मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लोग जो दाएं बाएं की बात करते हों, इधर उधर की बात करते हों, रहते इधर हों गाते की उधर हों, ऐसे लोगों से इस भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अध्यक्ष साहब, उनका दावा है कि पार्टी खाली करा दूंगा, इस्तीफों के दौर ला दूंगा, अब ये समय बताएगा। ये तो इस बारे में कहना मेरा कुछ भी ठीक नहीं है, आप सब जानते हो मुझसे क्यों खिलवा रहे हो।